सो भाई लोगों, आज करीब 3 महीने के बाद बाइक निकाली है, तो बाइक की कंडीशन देख लो। पिछले टायर में हवा कम है, बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत कुछ दिक्कत है आज बाइक में। सबसे पहले वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करवाएंगे, उसके बाद जाके वॉशिंग करवाएंगे। तो अभी स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगी, करीब ओ माय गॉड। वैसे इसे कहते हैं परफॉर्मेंस, 2 या 3 महीने के बाद स्टार्ट हो रही है और सिंगल किक में स्टार्ट है। तो फटाफट से चलते हैं। एक यहाँ ना बहुत बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है, यहाँ पे फुट रेस्ट जो होता है वो उतरा पड़ा है, वो मेरे बैग में रखा हुआ है। और दिक्कत क्या है उस फुट रेस्ट की, कि उसका नट कहीं गिर गया था, तो मुझे वो नट भी लगवाना है और वो भी करवाना है। तो आज मुझे सांस चढ़ रहा है, आज मैं ना मैंने काफ़ी काम भाग भाग के किए हैं, तो फटाफट से भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हैं। सुबह मुझे कुछ काम था इसलिए वीडियो को थोड़ी लेट शुरू कर रहा हूँ। सुबह मैंने काम किया अपना, निपटाया काम, तो अभी मैं थोड़ी देर आराम आराम से चलाऊँगा बाइक, क्योंकि 2 महीने के बाद बाइक चला रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑफिस नहीं जाता इसलिए लोकल में मैं साइकिल ही चलाता हूँ ज़्यादा। गाड़ी ऊपर जो फॉर्म लगी होती है विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए, तो वो मेरे वाले माइक की कहीं गिर गई है और उस साइज़ की मुझे मिली नहीं। अब वो साइज़ की मुझे ढूंढनी है, जल्द से जल्द मिले ताकि मैं उसका भी काम कर सकूँ और अच्छे से उसको यूज़ कर सकूँ। तो बेसिकली मैंने इसीलिए बाइक की सर्विस भी करवानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया, अब मैं छोटी छोटी ट्रिप्स भी करके आऊँ, क्योंकि बहुत दिल करता घूमने का, लेकिन अभी कहीं जा नहीं सकते। वाइफ को भी नहीं ले जा सकते क्योंकि बेबी छोटा है, इसलिए सोलो या फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बाइक का काम करवाने के लिए, कि जो छोटा मोटा काम है ये फटाफट निपट जाए, तो मैं एक जगह जाके बाइक की वॉशिंग करवाऊँ और उसके बाद मैं रोहिणी जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं रोहिणी भी जाऊँगा, कुछ काम है वहाँ पे। तो फटाफट से एक बार बाइक का काम करवा लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो अभी अच्छे से हो गई है और इन दोनों ने बड़े सही तरीके से कर दिया, क्योंकि जो साइलेंसर था ना, साइलेंसर की ख़राब था, साइलेंसर सही से लग नहीं रहा था, तो बड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली लग गया। अब चलते हैं फटाफट से वॉशिंग करवाने, क्योंकि बाइक की हालत बहुत ज़्यादा गंदी है, मुझे देख के कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये क्या हुआ बड़े बाइक को। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो अब चलते हैं फटाफट से वॉशिंग करवाने के लिए, और वॉशिंग करवाने के बाद हमने जाना है किसी काम से रोहिणी, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम आते हुए ब्लॉग को करेंगे एंड। मुझे नहीं समझ आ रहा है एक्चुअली, मेरे पास जो ओरिजिनल साइलेंसर पड़ा हुआ था, जो मेरी पुरानी गाड़ी थी, मुझे लग रहा है कि उसमें पड़ा था और वो साइलेंसर पड़ा मैंने बेच दिया, गाड़ी बेच दी, तो जिसके बाद साइलेंसर भी चल गया। अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी आगे किसके पास गई है, तो मेरा जो ओरिजिनल साइलेंसर था वो कहीं घूम गया, अब मुझे दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। घूम नहीं गया, क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। आई एम नॉट श्योर कि वो वहीं पे था या नहीं है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं याद, मैं भूल गया। दो साल से तो कहीं गया नहीं ऑफिस, तो नहीं पता कि कहाँ पे है। तो देखते हैं कि दोबारा से साइलेंसर परचेज करेंगे, फिर वो यूज़ करेंगे, क्योंकि जब दिल्ली से बाहर जाना है ना, तो बहुत दिक्कत होती है मेरे को, मैं नहीं ये लगा के जाता। ओरिजिनल साइलेंसर ओरिजिनल ही होता है। तो यहाँ पे बाइक की सर्विस वॉशिंग मैं यहाँ से करवाता हूँ, तो एक बार अंदर बाइक खड़ी करते हैं और आराम से उनसे कहते हैं कि बढ़िया तरीके से वॉशिंग कर देगा। और इधर हो रही है हार्ले की वॉशिंग।
था इस बारे में कि यार ऑन कैमरा पता नहीं आप यकीन करो ना करो, लेकिन 2 से 3 महीने बाद बाइक स्टार्ट करी थी और सिंगल किक में बाइक स्टार्ट हुई थी, तो मज़ा आ गया इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद अभी जो मैं बात बता रहा था, अभी क्या हुआ, 2 से 3 दिन पहले की बात है, मैं अभी क्लिप भी डाल दूंगा। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, मर गया यार। एक्सीडेंट क्या हुआ कि किसी लेडी ने, कोई लेडी गाड़ी चला रही थी और फ्लाईओवर के ऊपर, मैं फ्लाईओवर के नीचे हूँ इस वक्त, फ्लाईओवर के ऊपर उसने किसी बाइक वाले को टक्कर मारी, इतनी देर टक्कर मारी वो बाइक वाला उड़ के फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे गिरा। अब आप सोचो कि कैसे वो उस लड़की ने ड्राइव कर रही होगी वो, और कितनी देर उसकी गाड़ी होगी कि वो लग के वो नीचे आके गिरे। और मुझे जहाँ तक वीडियो क्लिप में देखने में लग रहा है नीचे बैरिकेड भी एक पड़ा हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो बैरिकेड नीचे पहले ही पड़ा था या वो भी ऊपर से गिरा, क्योंकि ये एक्सीडेंट जो रिकॉर्ड हुआ है बाद में किसी कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो कसम से यार मेरे को नहीं समझ आता कि वो लड़की कैसे ड्राइव कर रही होगी। और उसके बाद में वो उनसे बहस भी कर रही है कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। एक मैंने वीडियो क्लिप इसी से रिगार्डिंग और भी देखी थी, उसमें क्या था कि वो लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया, वो बंदे कितना बुरा हाल है उन दो लड़कों का, हम नहीं जानते। वहाँ पे वो लड़की कह रही है कि तो क्या मेरे भी तो लगी है, और तेरे लगी है लेकिन उनका क्या हाल है ये सोचो। तो ये चीज़ के लिए मैं एक, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बट उनके ऊपर कुछ एक्शन लगाना चाहिए कि मैंने पेट्रोल चेक किया तो रिजर्व लगा हुआ है, लेकिन कब से लगा हुआ है मुझे याद नहीं, वैसे तो बहुत टाइम से लगा होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना फटाफट से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी पंगा हो कि हमारी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, इसलिए ख़त्म होने से पहले पहले पेट्रोल डलवा लिया जाएगा। और हम हैं बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने, और यहाँ पे है गोल्ड जिम, जहाँ पे बहुत पहले मैं कुछ टाइम वर्कआउट करा था लेकिन छोड़ दिया क्योंकि थोड़ी दूर पड़ता था। तो अपना फटाफट एक बार प्रिया को भी फ़ोन कर देते हैं, ये ना हो कि हम यहाँ से प्रिया के ऑफिस पहुँच जाए और वो मैडम घर निकल जाए तो पोपट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये पंगा हो तो मैं जाके पहले फटाफट से प्रिया को फ़ोन कर देता हूँ। जी री प्रिया, रिएक्शन कैप्चर कर लो। तो चलो फटाफट, पहले जो एक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे ना कि एक लड़की ने वो जो गाड़ी वाले उड़ा दिया था नीचे जाके गिरे, है ना, तो वो यहाँ पे हुआ था, ये गुरुद्वारे के सामने। तो आप लोग भी देखो, यहीं से वो जगह है जहाँ पे ये चीज़ हुई थी कि गुरुद्वारे के सामने यहीं पे वो आंटी ने वो एक्सीडेंट मारा था। क्या तो ये जगह थी वो, मतलब कि सोचो कि यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से उन्होंने मारा और वो उड़ के इतनी तेज मारा कि वो उड़ के फ्लाईओवर के नीचे, तो कितनी तेज मारा होगा उन्होंने। तो यार घर जाने से पहले वीडियो क्लोज कर देते हैं क्योंकि घर पे जाके हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी मुझे पता लगा है घर पे कोई आया है मेरे रिलेटिव, तो वीडियो को अभी यहीं क्लोज कर देते हैं। बहुत जल्दी कल भी हो सकता है हम एक कहीं पे जाएं, कुछ काम है, तो मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।